देखो, अभी डिस्कॉम ने एक LRC दरें लागू करने के लिए TN नंबर 440 निकाला था। उस टेंडर के अंदर कुछ विसंगतियां थी जिसकी वजह से इस टेंडर को निरस्त करवाने का कार्य करने के लिए हमारे सभी कॉन्ट्रैक्ट भाई यहां पर एकत्रित हुए हैं। इसमें मूल रूप से किसी भी निविदा में रेट निर्धारित करने का डिसीजन कॉन्ट्रैक्टर का इन्हें बताया है, परंतु एक ठेकेदार की वजह से सभी 17 जिलों में, आज की दृष्टि में 17 सर्किल हैं अजमेर डिस्कॉम में, उन पर एक ही रेट लागू की जाए और एक व्यक्ति ने यदि रेट माइनस में डाल दी है तो वो सारी रेटें माइनस मानी जाएंगी और सभी कॉन्ट्रैक्टर, लगभग यहाँ पर 800 कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हैं, उन सभी कॉन्ट्रैक्टरों को उसी दर पे कार्य करना पड़ेगा जो एक व्यक्ति ने माइनस डाली। इसको देखते हुए हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर भाइयों ने यह निर्णय लिया है कि इस टेंडर को निरस्त करवाया जाए और इसकी जगह एक डिस्कॉम स्तर पर एक समिति बनाई जाए, एक कमेटी बनाई जाए और उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो पदाधिकारी हैं उसमें सम्मिलित रहें और दोनों पक्ष के लोग मिलकर एक रेट निर्धारित करें। जो आज की महंगाई इंडेक्स है, जो महंगाई को देखते हुए, डीजल की रेट को देखते हुए, लेबर रेट को देखते हुए निर्धारित हो, जिससे देखो अभी डिस्कॉम ने एक LRC दरें लागू करने के लिए TN नंबर 446 निकाला था। उस टेंडर के अंदर कुछ विसंगतियां थी जिसकी वजह से इस टेंडर को निरस्त करवाने का कार्य करने के लिए हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर भाई यहां पर एकत्रित हुए हैं। इसमें मूल रूप से किसी भी निविदा में रेट निर्धारित करने का डिसीजन कॉन्ट्रैक्टर का इन्हें बताया है, परंतु एक ठेकेदार की वजह से सभी 17 जिलों में, आज की दृष्टि में 17 सर्किल हैं अजमेर डिस्कॉम में, उन पर एक ही रेट लागू की जाएगी और एक व्यक्ति ने यदि रेट माइनस में डाल दी है तो वो सारी रेटें माइनस मानी जाएंगी और सभी कॉन्ट्रैक्टर, लगभग यहाँ पर 800 कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हैं, उन सभी कॉन्ट्रैक्टरों को उसी दर पे कार्य करना पड़ेगा जो एक व्यक्ति ने माइनस डाली है। इसको देखते हुए हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर भाइयों ने यह निर्णय लिया है कि इस टेंडर को निरस्त करवाया जाए और इसकी जगह एक डिस्कॉम स्तर पर एक समिति बनाई जाए, एक कमेटी बनाई जाए और उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो पदाधिकारी हैं उसमें सम्मिलित रहें और दोनों पक्ष के लोग मिलकर एक रेट निर्धारित करें। जो आज की महंगाई इंडेक्स है, जो महंगाई को देखते हुए, डीजल की रेट को देखते हुए, लेबर रेट को देखते हुए निर्धारित हो, जिससे सभी कार्य आराम से कर सके और कार्य गुणवत्तापूर्ण हो सके। ये मेन मुद्दा था। इसके अलावा कई सालों से, पिछली 5-6 सालों से हमारे कॉन्ट्रैक्टरों के साथ में अन्याय हो रहा है। कुछ काम जो है वो टेंडर पे दे दिए, जो रेटें हमें, जो काम हम 70,000 में कर रहे थे, आज डिस्कॉम स्तर पर वो काम 2.5 लाख में कराया जा रहा है, परंतु वो उनको महंगा नहीं लग रहा है। जो AG का कार्य हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई कम रेट में कर रहे थे, वो उससे 40% ज़्यादा पे कार्य कराया जा रहा है, वो डिस्कॉम को भारी नहीं पड़ रहा है। पर जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर जो छोटे छोटे कार्य कर रहे थे, उन सबको माइनस रेट में कार्य कराना चाहते हैं। इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो पूरे राजस्थान में संपूर्ण रूप से टूल डाउन करेंगे, सारे कार्यों का बहिष्कार करेंगे और इसका जवाब हम देंगे। इस बैठक में हमारे आदरणीय राजस्थान डिस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय भंवर सिंह राठौर साहब, हमारे महासचिव और पूर्व अध्यक्ष जोधपुर डिस्कॉम आदरणीय सीताराम जी टांक साहब, हमारे राजस्थान डिस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष आदरणीय रामवीर सिंह जी, ये जयपुर से पधारे हैं और इनने भी अपना पक्ष रखा है यहाँ पर। सर, मेन मुद्दा क्या है आपका? मेन मुद्दा सर हमारा इस टेंडर को कैंसिल कराना है, जिससे कि हमारे सभी भाइयों के साथ में न्याय हो सके, क्योंकि ये अन्यायपूर्ण रवैया अब डिस्कॉम का बर्दाश्त नहीं करा जाएगा कि माइनस में काम नहीं हो सकता। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में हमारा निर्णय यही है, अभी हम जाके सभी MD साहब से मिलेंगे, हमारी कुछ मांगे हैं, 4-5 सूत्री हमारी मांगे हैं,
जिसमें एक तो ये टेंडर तुरंत प्रभाव से निरस्त कराया जाए, TN 446 BSR की जो दरें हैं वो एक कमेटी बनाकर लागू की जाए, जिसमें हमारे ठेकेदार भी प्रतिनिधित्व करेंगे, उनके साथ बैठ के प्रतिनिधित्व करेंगे जब वो रेटें फाइनल हो। तीसरा, जो FRT का जो कार्य था, जो ये गाड़ी आजकल फॉल्ट ठीक कर रही है डिस्कॉम का, ये कार्य पहले हमारे छोटे कॉन्ट्रेक्टर भाई करते थे, ये सारा इन्हें टेंडर पे दे दिया है। वो कार्य हम ये चाहते हैं कि ये कार्य भी हमारा CLRC कॉन्ट्रेक्टर करें, निगम हित में CLRC कॉन्ट्रेक्टर करें। चौथा, जो 33/11 सब स्टेशन है, इस पे ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस का कार्य पहले हमारे CLRC कॉन्ट्रेक्टरों को वर्क ऑर्डर सर्किल स्तर पे दिया जाता था, जिला बृहत स्तर पर हमें ऑर्डर दिया जाता था, जिसके अभी कुछ सालों से इनने टेंडर निकालना चालू करे हैं और बड़े बड़े लॉट बना के बड़े बड़े ठेकेदारों को दिए जाते हैं। फिर भी अगर चालू शर्तें भी मानी गई तो आगे क्या रहेगा? इसका हमने सर्वमति से ये डिसीजन लिया है, यदि ये सारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम कार्य का, संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करेंगे।